अस्सलाम वालेकुम, मैं हिना एजाज, वेलकम टू वीकेंड विद हिना। इस वीकेंड हम आपको कराएंगे साउथ कोरिया की सैर, नॉट इन रियलिटी। असल में आपको साउथ कोरिया नहीं लेके जा रहे, लेकिन ऐसी काफ़ी सारी बातें आज आप साउथ कोरिया के बारे में जान पाएंगे, क्योंकि मेरे जो मेहमान हैं वो हैं ऑनरी इन्वेस्टमेंट काउंसलर फॉर साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की एम्बेसी भी इस्लामाबाद में है सिंस द 1980। साउथ कोरिया के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात और भी बेहतर हुए हैं, चीज़ें बेहतरी की तरफ गई हैं, इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ी है, और आज के दिन के जो फिगर्स हैं उसमें तकरीबन 17,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी साउथ कोरिया में रह रहे हैं। पहले उधर जाने के लिए, सेटल होने के लिए काफ़ी मुश्किलें दरकार होती थी पाकिस्तानियों को, लेकिन थ्रू द रेजिडेंसी वीज़ा, वर्क वीज़ा, काफ़ी चीज़ें आसान की गई हैं, तरीक़ेकार को भी ईज़ ऑफ किया गया है। किस तरह, क्या हुआ, पाकिस्तानियों का इमेज वहाँ मज़ीद बेहतर कैसे हुआ, मज़ीद नहीं बल्कि कुछ ख़राबी थी लेकिन वो बेहतर कैसे हुआ, उसमें पाकिस्तानी बिज़नेस कम्युनिटी का कितना हाथ था, कितना एफर्ट था, ये सब जान पाएंगे आप इन माई कॉन्वर्सेशन टुडे विद मुदस्सर अली चीमा साहब। जी सलाम चीमा साहब, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए, ठीक हैं? पाकिस्तान से भी आपके ताल्लुकात है मजबूत, साउथ कोरिया में बेहद मजबूत हैं आप पाकिस्तानी, चले गए आप साउथ कोरिया, कैसे हुआ, क्या हुआ, अगर आप बता पाए। जी, साउथ कोरिया इज लाइक माई सेकेंड होम कंट्री, और साउथ कोरिया कैसे गया ये एक प्लान में नहीं था। मैं गया स्टडी करने के लिए इंग्लैंड, और उस वक्त बड़े भाई थे साउथ कोरिया में, वो वहाँ बिजनेस कर रहे थे कंस्ट्रक्शन मशीनरी का, तो उनका प्लान बना कि मैं मूव हो जाऊँ पाकिस्तान की तरफ, तो मैं उनकी जगह पे साउथ कोरिया पहुँच गया। जब इंग्लैंड से वहाँ गया तो उस वक्त तो मुझे ये था कि मैं कोई चाइना जैसे एक मुल्क में जा रहा हूँ कि वहाँ भी फिने टाइप लोग हैं, तो आई वॉज लिटल कन्फ्यूज मसलन कि जाऊँ या ना जाऊँ, लेकिन भाई का ऑर्डर था कि आना है, तो पहले मैं वियतनाम गया, वियतनाम थोड़ा अर्सा रहा, वहाँ से बिजनेस शुरू किया। एक्चुअली मैं इंग्लैंड में आईटी कोर्स कर रहा था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो वो दरमियान में छोड़ के मुझे जाना पड़ा, भाई का कोई इशू था पार्टनर के साथ, तो फिर वियतनाम और वियतनाम से कोरिया, और सिंस 2006 वहाँ पर रह रहा हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगा, स्टार्ट में थोड़ा सा था इशू, लेकिन जाते ही मैंने फिर वहाँ पे कंपनी रजिस्टर करवाई, क्योंकि लीगल वे यही है कि आप जब जाएँ जाके अपना एक सर्टेन अमाउंट है उनकी, वो आपको इन्वेस्ट करनी पड़ती है। जब आप इन्वेस्ट कर लेते हैं, आज के दिन में तो $5,00,000 है, उस वक्त कितनी थी? उस वक्त $50,000 थी, ठीक है, 2006 में, लेकिन उसके बाद फिर मैंने उसको इंक्रीज कर लिया, तो फौरन मैंने वो कंपनी बना के वीज़ा, बिजनेस वीज़ा लिया, और फिर उस वक्त से काम कर रहा हूं। लेकिन अजीब सा नहीं लगा एकदम से, इतना मुख्तलिफ, इतना डाइवर्स कल्चर, यानी पाकिस्तानी कल्चर और साउथ कोरियन कल्चर बहुत मुख्तलिफ है, एक्चुअली लोग मुख्तलिफ हैं, तरीक़ेकार उनके अल मुख्तलिफ है, ज़ाहिर है, कल्चर, लैंग्वेज, लोग, रहना सहना, लुक वाइज टोटली डिफरेंट। पहले ज़बान मुख्तलिफ, ज़बान, हाँ जी, लैंग्वेज का सबसे बड़ा इशू है वहाँ पे। पाकिस्तान से जब मैं इंग्लैंड गया, वहाँ पे इंग्लिश बोली जाती थी, और मसलन हम पाकिस्तानी, खैर ज़्यादातर लोग जानते ही हैं, थोड़ी बहुत गुजारा कर लेते हैं, तो इंग्लैंड में तो कोई इशू नहीं हुआ। वियतनाम में भी ये सेम इशू था, वहाँ भी इंग्लिश नहीं बोली जाती, वो वियतनामी लैंग्वेज है, तो टोटली डिफरेंट है, उनके बोलने का स्टाइल ही डिफरेंट है, यानी वो आवाज़ ही गले से निकालते हैं, वो उस तरह निकालनी बड़ी मुश्किल होती। खैर कोरिया में बड़ा इशू है, अगर आपने बिजनेस करने जाना है, वहाँ पे रहने जाना है, सबसे पहले आपको लैंग्वेज कोर्स करना पड़ेगा। वो आपने किया? वो मैंने नहीं किया, नहीं किया, खुद ही सीख गया? खुद ही सीखी, वेरी गुड, और मैंने जल्दी सीख ली, इतनी मुश्किल नहीं है, बड़े कम अल्फाबेट्स हैं उनके, तो जल्दी आ गई। लेकिन सब सुनने में एक ही जैसा लगता है, ऐसा ही है, पाकिस्तानियों को वो दिखने में भी एक जैसे लगते हैं। हाँ जी, अच्छा चले, कारोबार तो आपने वहाँ इस्टेब्लिश कर लिया, लेकिन जब आप किसी को बताते थे कि मैं पाकिस्तान से हूँ, तो एक प्रॉब्लम शायद आप फेस करते हो कि पाकिस्तानियों का इतना अच्छा इम्प्रेशन उस वक्त नहीं था वहाँ पे। एक्चुअली जब से 9/11 हुआ मसलन, सॉरी उस वक्त रिसेंटली था, 4-5 साल हुए थे, तो पाकिस्तानियों का, इवन मैं जब इंग्लैंड में था उधर भी इशूज़ थे, वियतनाम में भी, फिर कोरिया में भी मसले तो थे, लेकिन जब आप बिज़नेस कर रहे होते हैं तो जो आपके पार्टनर होते हैं जिनके साथ आपने बिज़नेस करना होता है, वो केयर नहीं करते कि ये अफगानिस्तान से हैं, पाकिस्तान से, या सीरिया से हैं, वो केयर करते हैं इसके पास पैसे हैं, हमारे साथ बिज़नेस ठीक करेगा,
तो वो फिर इशू नहीं होता, लेकिन एक जनरल ओपिनियन भी होता है ना. हाँ नहीं ठीक था वो, नहीं ठीक था. अब वो बेहतर हुआ है, बहुत बेहतर हुआ. और वो आप लोग यानी बिजनेस कम्युनिटी जो पाकिस्तान से गई वहाँ बिजनेसेस एस्टैब्लिश किए, उन्होंने उसमें कितना कंट्रीब्यूट किया, किस तरह किया कि पाकिस्तानियों की इमेज बिल्डिंग की जा सके. अच्छा ये मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ. एक्चुअली 2006 में जब मैं गया और बिजनेस शुरू किया, उस वक्त मेरा कोई कंसर्न नहीं था कि इधर हमारा इमेज किस तरह का है या किस तरह का नहीं है. मेरा कंसर्न ये था कि मैंने अपनी फैमिली को बिल्डअप करना है, अपने बिजनेस को स्ट्रांग करना है. सोशल वर्क बाद में देखेंगे, पहले अपने आप को स्ट्रांग करें, अपने आप को सेटल करें. तो मैंने 3-4 साल टिक के काम किया, ठीक, मसलन अपने आप को स्ट्रांग किया वहाँ पे. और उसके बाद 2010 में मैं पाकिस्तान बिजनेस एसोसिएशन थी जो रजिस्टर्ड थी 97 में, लेकिन थोड़े से लोग थे, चंद एक जो गारमेंट्स का काम कर रहे थे, वही उनकी ही एसोसिएशन थी और उन्होंने अपने अंदर ही वो बॉडी बनाई हुई थी. वो एक प्रेसिडेंट, एक वाइस प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी बनकर वो इसी तरह चल रहे थे एम्बेसी के साथ मिलकर, लेकिन कोई करने को कुछ है नहीं था. तो 2010 में जब मैं मेंबर बना, उसके बाद फ़ौरन मुझे उन्होंने फ्रांस सेक्रेटरी बना दिया कि बड़ा स्ट्रांग बंदा आ गया है तो इसको मसलन सपोर्ट करें और इसको आगे लेके आएँ. तो खैर मैं फिर देखा मैंने इसमें क्या वीकनेस हैं, कुछ एजुकेशन भी थी, कुछ मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी था, कुछ पैशन भी था कि मैंने कुछ करना है, अपने मुल्क के लिए करना है, अपनी फैमिली के लिए करना है और अभी कुछ डिफरेंट करना है. तो हम प्रोग्राम करने लग पड़े, पाकिस्तान के जो नेशनल डेज थे उनको मनाने लग पड़े. 2013 का मतलब मेन वाइल ये चीज़ें चलती रही. 2013 में मैंने इलेक्शन लड़ा और मैं जनरल सेक्रेटरी बन गया. फिर 2015 से ऑनवर्ड मैं अभी तक प्रेसिडेंट चल रहा हूँ. इलेक्शन वैसे जो अल्फाज है ना, जो लफ्ज है, वो आपकी खून में दौड़ता है, वो खानदान आपका सियासी है ना. एक्चुअली बस आप कह सकती हैं मसलन चाहे वो चेंबर का इलेक्शन हो, किसी चीज का हो, सही सही, आप इलेक्शन से तो फैमिलियर हैं. फैमिलियर हैं जी. वो मेरे लिए इजी था क्योंकि एक जिसने इलेक्शन लड़ना है या जो भी है, वो लोगों के साथ आपका रवैया, बोल चाल अच्छा होना चाहिए, तभी लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं. तो वो खैर मैंने मेजोरिटी के साथ इलेक्शन लड़ाया, उसके बाद मेरे मुकाबले में कोई नहीं आया, मैं बिला मुकाबला ही मुसलसल हो रहा हूँ. वेरी गुड. मेन जो मुझे इशू था वो ये था कि पाकिस्तान का इमेज कैसे बेहतर करना है. वो कैसे किया फिर? वो हमने ये किया कि हम जितने भी इवेंट करते थे उसमें हम कोशिश करते थे पाकिस्तान से हम आर्टिस्ट लेके जाएं. उनको एक तो ये इशू है ख़ासतौर पे इन मुल्कों में कि ये लोग अपनी ख़वातीन को घरों में बैठा के रखते हैं. ये साउथ कोरिया में, कोरिया में भी और जहाँ भी मैंने देखा, ये था कंसेप्ट पहले था कि मसलन ये इनकी एशियन स्टेट्स में, यस, ये मतलब काम नहीं करने देते और ये घरों में रहती हैं और बड़े जुल्म करने वाले लोग हैं. तो मैंने पहला जो इवेंट किया उसमें सारा रजा खान थी सिंगर, उनको बुलाया ताकि ये फीमेल हैं. और उसमें हमने पार्लियामेंटेरियन को बुलाया, उनके लोकल बिजनेसमैन को बुलाया. और हमने इवेंट भी जो उनका उनकी टॉप की जगह थी जहाँ पे G20 कॉन्फ्रेंस हुई थी, कोएक्स है कैपिटल में, सबसे एक्सपेंसिव, उसमें अराउंड हमारा तकरीबन 60-70,000 हमारा खर्चा लगा उस इवेंट के ऊपर. लेकिन हमारा करने का मकसद था कि हम इनको दिखाएं. एक तो ये है कि वो लोग समझते, पहले ये समझते थे कि जितने भी पाकिस्तानी इधर आए हैं वो फैक्ट्री वर्कर्स हैं, क्योंकि OEC के ज़रिए, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के ज़रिए वर्कर उधर जाते हैं और वर्क मसलन इधर बिजनेस मैन नहीं है. तो हम इनको दिखाएं कि इधर एक अच्छी स्ट्रॉन्ग बिजनेस कम्युनिटी भी मौजूद है. तो हमने वहाँ पर इवेंट किया. उसके बाद फिर और पंजाबी सिंगर्स हैं, लूने वाला है, मलकू और एक दो और को, इनको आप लेके गए, लेके गए. और वो कितना मुतासर हुए इन सबको देख, बड़े मुतासर हुए. जब सारा रजा हाँ गई तो वो बड़े उनके लिए बड़ा हैरानकुन था. और उनके इंग्लिश चैनल है आरी रंग, उसमें उसका इंटरव्यू आया और अच्छा। बाकी भी बड़ी कवरेज मिली. और उसके बाद हमारे कुछ पाकिस्तानी वहाँ पे मीडिया में काफ़ी इन है, जाहिद है, एक दो और हैं, वो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में जाते रहते हैं, पाकिस्तान के हवाले से बताते रहते हैं. मेरे काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यूज़ आ चुके हैं. मैंने मुझे 3 दफ़ा कोरियन प्रेसिडेंट से बेस्ट एक्सपोर्ट का अवार्ड मिला है. उसके अलावा काफ़ी मसलन जितनी भी आफ्टर ऑल आप ऑनरी इन्वेस्टमेंट काउंसलर हैं जो दुनिया में सिर्फ 34 है, राइट? जी. तो बनता है आपका इंटरव्यू उधर. तो ये सब तो हुआ, इमेज बिल्डिंग आप करते गए सब मिलजुल के, उसमें आपका भी बहुत कंट्रीब्यूशन है. लेकिन जो उधर रहने की बात है, एक पाकिस्तानी के लिए, उस एक नॉर्मल पाकिस्तानी के लिए बात कर रही हूँ, आम पाकिस्तानी के लिए, वो जाता है वहाँ पे,
वो वर्क वीज़ा पे जाता है, उसके लिए वहाँ उस कल्चर में एडजस्ट होना कितना मुश्किल या कितना आसान है? मुश्किल है जी, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अगर आपने मसलन ये सोच के जाना है कि मैंने वहाँ जाके पराठे ही खाने हैं मैंने कढ़ाइयाँ खानी हैं, तो फिर तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर आपने ये सोच के जाना है कि मैंने अगले उस कल्चर को भी देखना है, अगर वहाँ पे किमची खा रहे हैं तो किमची है क्या, अगर वो चावल के साथ सूप पी रहे हैं तो सूप किस तरह का है, वो अगर थोड़ा सा अपने आप को चेंज करके जाते हैं मेंटली तौर पे, तो ब्रांड बहुत अच्छी जगह। आपने शुरू में ये चीजें अवॉइड की या खाई? मुझे तो मजा आता है जी, शुरू में मजा आता है। मैं आप एडजस्ट हो गई, मैं जहाँ भी जाता हूँ ना, मैं काफी मुल्कों में गया हूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं कोशिश करता हूँ वहाँ का लोकल खाना खाऊं। जाहिर है हराम हलाल को भी देखना होता है, लेकिन फिश आप खा सकते हैं, वेजिटेबल आप खा सकते हैं, और उसमें काफी सारी डिशेज हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं, तो मुझे कोई इशू नहीं हो सका, इशू नहीं हुआ वहां पे रहने के लिए। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट साउथ कोरिया से या फिर साउथ कोरियन बिजनेसमैन जो है, कम्युनिटी जो है, चाहती है कि पाकिस्तान में आके कुछ प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें। बहुत सारी डेलीगेशंस भी आती रही हैं, इनफैक्ट अभी आईवीपी थी एक। क्या इरादे हैं उनके? जी, साउथ कोरिया एक बहुत ही अच्छा हमारा स्ट्रेटेजिकल पार्टनर रहा है। 90s में आपको पता है कि उन्होंने डाइवो ने मोटरवे बनाई पाकिस्तान में। बिल्कुल। उसके अलावा लोटे ग्रुप ने इधर काफ़ी ज़्यादा उसकी इन्वेस्टमेंट है, लोहारी टनल है, कराची पोर्ट के ऊपर एक इलेक्ट्रिक पावर जो है वो कोरियन कंपनी लगा रही है, सैमसंग यहाँ पे मोबाइल बनाने जा रहे हैं लकी ग्रुप के साथ, हुंडई ने निशाद ग्रुप के साथ गाड़ियाँ बनानी शुरू कर दी हैं, अभी आपको रोड्स के ऊपर काफ़ी किया स्पोर्टेज नज़र आ रही होगी, और फ्यूचर में आप देखेंगे इनके पार्ट्स भी पाकिस्तान की तरफ आएंगे। नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में भी बहुत इंटरेस्टेड है साउथ कोरियंस, करेक्ट? सही। और उस बारे में क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ मतलब? बिल्कुल हो रहा है। मैं लास्ट ईयर आप चले, ठीक है ना, ये जो मोबाइल हो गए, गाड़ियां हो गई, ये तो अंडरस्टैंडेबल है, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी खबरें। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको पता है कि मेन जो हमारा स्टार्ट मोटरवे का है वो उनसे हुआ है, और उसके अलावा मजीद, और मैंने खबरें सुनी है, मैं आपसे कंफर्म कर रही हूं। जी जी, हैनसंग कंपनी एक कोरिया की सबसे बड़ी कंपनी है, मसलन उनकी टॉप 20 में आते हैं, ढाका रिंग रोड पूरे कैपिटल का उस कंपनी ने बनाया, मैं उनको पिछले साल लेके आया था यहाँ पे, और वो अभी थोड़े से पॉलिटिकल हालात बेहतर हो जाएं तो वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। मैं अभी पाकिस्तान एम्बेसी के साथ मिलकर और हम एज होस्ट तकरीबन 45 कोरियन बिजनेसमैन को यहाँ पे एक हम इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, 18 को वो आ रहे हैं, 24 तक रहेंगे, और उनको मैं होस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। उसमें कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ भी हैं, उसमें फूड की कंपनीज़ हैं, एग्रीकल्चर की हैं, टूरिज्म की हैं, स्पोर्ट्स की हैं, एक स्पोर्ट्स एसोसिएशन है थेक्वांडो की, थेक्वांडो स्पोर्ट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और इन्वेस्टमेंट डायरेक्टर आ रहे हैं, वो पाकिस्तान में थेक्वांडो स्पोर्ट्स सेंटर बनाना चाहते हैं। एक्सेलेंट, बहुत अच्छी खबर है। अच्छा, आप वाइस चेयरमैन भी फॉर ग्लोबल बिजनेस अलायंस। जी जी, ये जो फोरम है ग्लोबल बिजनेस अलायंस, ये क्या है और क्या क्या अभी इसकी अचीवमेंट्स रही हैं? जी, ये मेनली कोरिया में ज़्यादातर जो एसोसिएशंस थी वो या तो कोरियन की थी या मुख्तलिफ मुल्कों की थी, यानी कि पाकिस्तानी वहाँ पे रह रहे हैं तो पाकिस्तान बिजनेस एसोसिएशन हो गई, कोई वियतनामी रह रहा है तो वियतनाम बिजनेस एसोसिएशन हो गई, इसी तरह कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, वो अपने अपने मुल्कों की उन्होंने एसोसिएशंस बनाई हुई थी, तो एक हमें प्लेटफॉर्म चाहिए था जिसमें सारे मुल्कों के सबको ले आए, तो वो हमने 60 स्टार्ट में तो थोड़े थे, अभी 67 कंट्रीज के जो CEOs हैं वो उसके मेंबर्स हैं, और ना के मुख्तलिफ CEOs हैं, डिप्लोमेट, कमर्शियल काउंसलर्स जो कि वहाँ पे जाते हैं, और उनको पहले 2-4 माह 6 माह पता लगने में लग जाता है कि हमने किस कंपनी से रابطہ करना है, कहीं किस कंपनी से नहीं रابطہ करना। तो ग्लोबल बिजनेस अलायंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि वो पहले ही आप हफ्ते जाएं और उसमें हमारे जो लीडर्स फोरम होते हैं एवरी मंथ, उसमें वो मुख्तलिफ कंपनीज के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं और उनको पाकिस्तान
अगर कमर्शियल काउंसलर पाकिस्तान के हैं तो वो पाकिस्तानी कंपनीज के साथ उनको उनके मिला सकते हैं, अगर वो घाना के हैं, अगर वो अफ्रीका के किसी कंट्रीज या यूरोप के हैं तो वो एक उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है कि उसके जरिए वो मुख्तलिफ कंपनीज के साथ पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी को इस फोरम के थ्रू कितना फ़ायदा पहुँचा अब तक? जी मैं पाकिस्तान बिजनेस एसोसिएशन का चेयरमैन भी हूँ और ग्लोबल बिजनेस अलायंस का वाइस चेयरमैन हूँ। तो मैंने ये किया है कि हमारे जो बिजनेसमैन हैं पाकिस्तान बिजनेस एसोसिएशन के, उनको मैं इस फोरम में लेके जाता हूँ ताकि उनका एक्सप्लोयर हो, वो फायदा भी होता है कि नहीं। बिल्कुल हुआ है उनके वो बिजनेस, कोई मिसाल? जी बिजनेस कॉन्टेक्ट होते हैं, वो अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं और पाकिस्तान की तरफ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मुख्तलिफ मुल्कों की तरफ एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अभी जो पाकिस्तानी वहाँ पे रह रहे हैं ना जी, वो खाली पाकिस्तान की तरफ एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, वो मुख्तलिफ मुल्कों में कर रहे हैं। आप अगर जापान को देखें, जापान में गाड़ियों का काम करने वाले सबसे अच्छे जो बिजनेसमैन हैं वो पाकिस्तानी हैं, और कोरिया में भी इसी तरह है। कोरिया में पाकिस्तानी जो है बड़े स्ट्रांग हैं इन कार बिजनेस, इन अदर लाइक स्पोर्ट्स, मैनी अदर आइटम्स आल्सो, दे आर वेरी स्ट्रांग देयर। जापानीज वर्क एथिक जो है, जापानियों का अपना जो वर्क एथिक है उसकी मिसालें दुनिया में दी जाती हैं। जी साउथ कोरिया का वर्क एथिक कैसा है? मैंने उनको देखा जी, ड्रिंक वो सारे करते हैं, ये उनका कल्चर है, हमें अच्छा लगे या ना बुरा, हमें बुरा लगे लेकिन वो यूज टू है। मोस्टली कोरियन रात को वो ड्रिंक करते हैं, इवन लेट नाइट 1-2 बजे तक, लेकिन सुबह 6 बजे वो ऑफिस पहुँचे होते हैं। आपने टाइम दिया है 10 बजे का, चाहे जितने पंक्चुअल हैं, पंक्चुअल है, उनका ये बहाना नहीं होता रोड बिजी था। हमारे यहाँ तो 10 बजे का टाइम हो तो 10 बजे शुरू करते हैं। यानी अब आप भी पंक्चुअल हो गए होंगे? जाहिर है जी, मजबूरी है। लेट होने को वहाँ बुरा बनाया जाता है? बुरा, हाँ जी। अगर लेट है तो पहले बताएंगे कि मैं लेट हो रहा हूँ ताकि अगला बंदा इंतजार। काश इधर भी ऐसे हो जाए, अल्लाह करे। इधर तो कोई नहीं टाइम पे पहुँचता। हाँ जी, खैर, बड़ी चीजें हमें सीखनी चाहिए। हाँ, जितने कल्चर्स हैं दुनिया में उसमें से अच्छी चीजें उठा के आपको अडेप्ट करनी चाहिए। Why not? सही बात। अच्छा, तो जो पाकिस्तानी है, इंटरेस्टिंगली हम लोग दुनिया में हमने अपनी 2-3 जगह छुट्टियों के लिए सेट की होती है कि हमने यहाँ जाना है, और पाकिस्तानी आपको लंदन ही नजर आएगा या 1-2 और जगहों पर नजर आएगा। इतनी इंटरेस्टिंग जगह है, जब जैसे कि आप बता रहे हैं वियतनाम भी गए हुए हैं आप, साउथ कोरिया, सिर्फ कॉस आपका इतना गहरा ताल्लुक है पूरा, तो लोग इन जगहों पे क्यों नहीं जाते, क्यों हेजिटेट करते हैं, आपका क्या ख्याल है? लैंग्वेज का इशू हो सकता है, लेकिन मसला यह है कि हमारे लोग जो वेल ऑफ हैं वो उनका मेन जो उनकी अट्रैक्शन है वो यूरोप की तरफ होती है, अमेरिका, इंग्लैंड, कैनेडा वगैरह, वो इन मुल्कों में नहीं जाते। लेकिन मेरा ख्याल है कि जब वो जाएंगे ना तो कहेंगे यार ये जगह बड़ी अच्छी है, बड़ी मज़े की है, हमें दोबारा भी आना चाहिए। वहाँ पे कुछ जजीरे हैं, इतने प्यारे हैं, समुंदर बहुत ही प्यारा है, और मतलब बड़ी अच्छी जगह हैं देखने के लिए। उन्होंने अभी तक अपना जो ओल्ड कल्चर है उसको भी बचा के रखा हुआ है। ओल्ड होम है, एक पूरे का पूरा विलेज जो आज से 300-400 साल पुराना था वो अभी तक उन्होंने उसको बचा के रखा। हमारे तो मसलन उधर जानवर घूम रहे होते हैं ना, लेकिन उन्होंने अभी तक उसको कवर करके रखा और उसकी टिकट रखी है ताकि लोग जाएं और जाके देखें। तो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा जी। हमारे एक तो ये है कि जो मिडिल क्लास है वो जब घूमना शुरू करेगी, वो जाएगी तो शायद कोरिया की तरफ भी रुझान हो जाए, जापान और सेंट्रल एशिया की तरफ भी। आपके टूरिज्म पे क्यों नहीं कुछ इकदाम लेते कि पाकिस्तानी मजीद साउथ कोरिया को विजिट करें? क्या वीज़ा लेना बहुत मुश्किल है? जी मैं तो अगर टूरिज्म पे काम करूँगा तो मैं तो पाकिस्तान की तरफ काम करूँगा। मैं पंजाब का टूरिज्म एम्बेसडर भी हूँ, तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं कोरियन को इधर लेके आऊँ, और मैं ला रहा हूँ। आते हैं? जी आते हैं। क्या कहते हैं जब वो पाकिस्तान आते हैं? अच्छा, पाकिस्तान आने की उनकी एक वजह है, एक तो ये है कि जी हमने कहीं पर जाना है, घूमने जाना है, रिलैक्स करने जाना है, इंजॉय करने जाना है। पाकिस्तान आने का एक रिलीजियस फैक्ट भी है कोरियन के लिए, वो ये है कि कोरिया का जो सबसे बड़ा रिलीजन है वो है बुद्धिज़्म, और वो स्टार्ट पाकिस्तान से हुआ है। उनका जो मेन प्रीचर था जो कोरिया में गया था वो पाकिस्तान से गया था, और जिनको पता है उनको पता है कि जैसे हमारा हम मक्का मदीना जाते हैं उमरा करने के लिए, उनको अभी ये है कि अगर हमने जाना है, जैसे सिख आते हैं गुरुद्वारा यहाँ पे, गुरु नानक
करतारपुर है या दूसरी जगहों पे जाते हैं, इसी तरह कोरियन भी आएंगे। अभी हमने बताना उनको शुरू कर दिया है और लास्ट ईयर अच्छा यानी ये अगर फैक्ट उनको प्रोजेक्ट किया जाए तो कितना टूरिज्म साउथ कोरिया से हो सकता है। जी हम कर रहे हैं ना जी, लास्ट ईयर हमने पाकिस्तान बिजनेस एसोसिएशन ने एज प्रेजिडेंट हमने उसको लीड करते हुए $15,000 की हमने डॉक्यूमेंट्री बनाई है और वो हमने उधर जो उनके मेन मॉन्क थे इसके बुद्धिज़्म के उनको इनवाइट किया और जो कोरिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज थी हमने पाकिस्तान एम्बेसी के साथ मिलकर उनको एक सिनेमा हॉल में बुलाया और उसमें 45 मिनट्स की वो डॉक्यूमेंट्री यूट्यूब पे मौजूद है। हाँ जी, और वो हमने दिखाई कि जी ये आपकी जगह है, आप उधर जाएँ, हम आपको होस्ट करेंगे। और वो आ रहे हैं, 2 साल पहले भी हमारी एम्बेसी ने एक डेलीगेशन भेजा था और अभी ये जो लोग आ रहे हैं ना 45 लोग, ये भी इनको हमने फर्स्ट ही हमने टेक्सला लेके जाना है और टेक्सला में जो म्यूज़ियम है जहाँ पे ये बुद्धिज़्म का सारी वो रिमेनिंग्स पड़ी हुई हैं और सारी चीज़ें पड़ी हैं वो देखेंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे फिर इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस वगैरह वो सारी चीज़ें शुरू होंगी। मेरा मकसद ये है कि उनको खाली ये इधर आएँ, वो खाली इधर बिजनेस पर्पज़ के लिए नहीं आएँ, वो इधर देखेंगे हाउ पाकिस्तान इज़ सो ब्यूटीफुल एंड हाउ वी आर वेरी काइंड विद देम और वेरी गुड होस्ट वी आर फॉर द 45 लोग आ रहे हैं। हाँ जी, काफ़ी बड़ा नंबर है। जी जी, और इस इन हालात में जब पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं है, बड़ी बात है। हाँ जी, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आपके, इट्स अ फेवर टू द नेशन इंशाल्लाह। आई होप और ये जो ओवरसीज पाकिस्तानीज है ना आप जैसे जी, इनके मुल्क पे बड़े एहसान है इस तरह। अगर आपने एडवाइस देनी हो उन लोगों को जो पहले तो हमने बात कर ली कि वर्क परमिट और जो लोग वहाँ नौकरी की तलाश में जाते हैं या नौकरी करना चाहते हैं वो किस तरह जाएं, क्या होता है, लेकिन जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहें, जो हमने आज बात की $5,00,000 आज के दिन में वो रकम है जो आप इन्वेस्ट करें और फिर आपको वहाँ पे वीज़ा भी मिल जाएगा लॉन्ग टर्म का, राइट, इट्स कॉल्ड F5, यस, वो मिल जाएगा, लेकिन पहला कदम क्या होगा, अब ये पूरी अगर आप प्रोसेस समझा सकें क्या होता है। अच्छा, मैं एक तो ये है कि यहाँ से जाते हुए और दूसरा रहते हुए भी बहुत सारे लोग वहाँ पे रह रहे हैं, 20-20 साल हो गए हैं और वो अभी तक सफ़र कर रहे हैं वीज़ा की वजह से। वजह ये है कि इन्फॉर्मेशन ना होना और इन्फॉर्मेशन है भी है उस तरफ जस्तजू ना करना, उस तरफ चलना ना। हमारा मेन मसला ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों का ये है कि हम वो काम करते हैं, हम उस वक्त काम करते हैं जब सर पर पड़ जाती है, उससे पहले हम काम नहीं करते। ढीठ है। हाँ जी, थोड़ा सा ढीठ है, मतलब थोड़े से इग्नोरेंट हैं, मसलन केयर नहीं करते। यहाँ से जाते हुए मेन पहले तो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जिस मुल्क में आप जा रहे हैं वहाँ के लॉज क्या हैं, वीज़ा कैसे लेने। हम 35-40 लाख रुपए दे के वीज़ा क्या लेते हैं, जहाँ के एजेंट करता है कहता है जी हम आपको एयरपोर्ट से एंटर करवाएंगे, उसके बाद आप इलीगल हैं तो आपने क्या करना है जी, आपने G1 अप्लाई करना है जिसको पोलिटिकल स्टे कहते हैं, उसमें आपने कहना है कि जी मैं अगर पाकिस्तान में गया तो मुझे जान का खतरा है तो मुझे यहाँ पे वीजा दिया जाए, तो जो कि पाकिस्तान अजाइलम जी जी वो बदनामी है जी, वो अगर और ये करते हैं। और ओ गॉड, दूसरा जो मेन मैं आपको बताना चाहता हूँ जिसको मैंने मसलन नहीं किया और मैंने पहले ही अपना प्लान कर लिया 2010-11 में, और उसके बाद मैंने कहा जी मैंने यहाँ पे अगर मैंने बिज़नेस करना है तो मुझे यहाँ पे F5 वीज़ा होना चाहिए। मेरे पास D8 वीज़ा था जो कि बिज़नेस वीज़ा होता है, वो 1-2 साल बाद एक्सटेंड होता रहता है, लेकिन तो मैंने रिन्यू कराना पड़ता है हर साल 2 साल जी बिज़नेस को शो करके। और F5 को क्या करना पड़ता है, वंस आपके पास आ गया तो फिर ये लाइफ टाइम के लिए वन टाइम है। हाँ जी, वन टाइम है। और ये $5,00,000 की इन्वेस्टमेंट के साथ है। हाँ जी, पासपोर्ट नहीं मिलता, ये वीजा है। हाँ जी, मैंने 2015 में F5 लिया था जी, और उसके बाद मेरे दोस्त हैं वो इमिग्रेशन के चीफ थे, उन्होंने मेरे साथ बैठे हुए थे खाना खा रहे, उन्होंने कहा मुदस्सर तुम्हारे पास 3 दफ़ा का बेस्ट एक्सपोर्ट अवार्ड है और बहुत सारे तुम्हारे मसलन तुम्हें सर्टिफिकेट्स और अवार्ड मिल चुके हैं एम्बेसी की तरफ से और मुख्तलिफ गवर्नमेंट के अदारों की तरफ से, तो तुम स्पेशल नेशनैलिटी क्यों नहीं अप्लाई करते। तो मैंने कहा मैंने कोरिया की नेशनैलिटी नहीं लेनी, मेरे पास F5 वीज़ा है। लेकिन ऑप्शन होती है अवेलेबल सबके लिए, नहीं चंद एक, राइट, और आप उस पर क्वालिफाई करते थे। मैं क्वालिफाई करता था, वजह यह है कि स्पेशल नेशनैलिटी की कैटेगरी उन लोगों के लिए है जो फेमस आर्टिस्ट हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं या डॉक्टर हैं, प्रोफेसर्स हैं, जो मसलन जिन्होंने की तहकीक है। दुबई का गोल्डन वीजा है जो क्राइटेरिया वो ये है, ये राइट, बिल्कुल सेम, आपने सही कहा।
तो मेरे पास 3 दफ़ा का अवार्ड था एक्सपोर्ट का, अच्छा बिजनेस कर रहा था, बहुत अच्छी मसलन अमाउंट में मैं टैक्स दे रहा था, मसलन जो उनकी कैटेगरी उसमें पूरा होता था। मैंने अप्लाई किया, 3 माह में मुझे मिल गया और मैं वाहद पाकिस्तानी। आपने रिजेक्ट कर दिया? मैंने नहीं, स्पेशल अच्छा दूसरा स्पेशल नेशनलिटी ली के नहीं ली। मैंने ली, वजह ये थी कि उसमें आप पाकिस्तानी पासपोर्ट रख सकते हैं, वैसे पाकिस्तान अच्छा, का वो रिटेन कर सकते हैं, ऑप्शन थी। ओके एक्सेलेंट। वो मैं इसलिए मैंने ली के लेना नहीं था चाहता, जब उन्होंने मुझे बताया कि ऑप्शन मौजूद है आपके पास कि आप पाकिस्तानी पासपोर्ट रख सकते हैं, तो अभी मैं जब पाकिस्तान आता हूँ तो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आता हूँ, और जब वापस जाता हूँ कोरियन पासपोर्ट पे जाता हूँ। तो मेरे पास दोनों बेहतरीन है, बेस्ट है जी। और ये चंद एक लोगों के पास, मेरे ख्याल 1000 लोग भी नहीं होंगे जिनके पास ये स्पेशल नेशनैलिटी होगी। तो उसके बाद 2018 में जो मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है अभी तक, वो ये है 1948 से लेकर 2018 तक, जो जब से उन्होंने नेशनैलिटी देना शुरू की, नेचुरलाइजेशन मसला शुरू की, वो 1948 जब वो आज़ाद हुए थे, 2018 तक 192,000 लोगों ने नेशनैलिटी ली हुई थी कोरिया की। और उस वक्त 2018 में उन्होंने 70 साल की एक गोल्डन जुबली टाइप मसलन एक सेमिनार रखा था, एक प्रोग्राम रखा था कि उसको हमने मनाना है कि हमने अभी तक 192,000 लोगों को नेशनैलिटी दी है। उसमें मिनिस्टर ऑफ जस्टिस आ गए थे, तो उसमें उन्होंने 4 लोगों को 192,000 में से सारा उनका चेक किया रिकॉर्ड, और 4 लोगों को उन्होंने रोल मॉडल अवार्ड दिया, एग्जाम्पलरी अवार्ड। उनमें 4 लोगों में से मैं भी था, और उस वक्त के जो उनके कोरिया टाइम सबसे बेस्ट न्यूज़पेपर है, वहाँ पे मेरी तस्वीरें हैं, फिर हर चैनल पे, हर न्यूज़पेपर पे, और उसमें पाकिस्तान का नाम। तो वो परेशान नहीं होते कि पाकिस्तानी कौन है, हर वक्त खबरों में शायर रहते हैं? परेशान अच्छा है, उनमें रेसिज्म है, लेकिन ये है कि वो खुश होते हैं और मुझे कहते हैं कि यार हमारे मुल्क में आ गए, आपने ठीक पैसे कमाए। तो उधर दोस्त पोस्ट बन गए आपके कोरियन? जी बने हैं जी, अगर आप रह रहे हैं उधर इतनी देर से तो दोस्त तो जाहिर है। मैं हूँ भी थोड़ा सा सोशल टाइप हूँ। जबान आपको आती है? जबान आती है, और आई लव टू हैव फ्रेंड्स अराउंड, और लकी हूँ कि अभी तक अच्छे दोस्त मिले हैं। वेरी गुड, पाकिस्तान में भी अच्छे दोस्त, उधर भी, और पासपोर्ट दोनों मुल्कों के। वेल, अगर कोई कारोबार शुरू करना हो साउथ कोरिया में, आप पाकिस्तानियों को क्या तजवीज करेंगे, क्या करें? पाकिस्तान इशू ये है कि यहाँ से कोरिया में जाने का पहले आपको प्लान करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा। मैंने आपको क्यों इतनी लंबी स्टोरी सुनाई, वजह ये थी कि मैं अगर उस तरफ चला हूँ तो मुझे स्पेशल नेशनैलिटी भी मिल गई, मुझे रोल मॉडल अवार्ड भी मिल गया, और मेरे पास मसलन सारा कुछ अचीवमेंट्स भी हैं। मैं ऑनररी सिटीजन भी, ऑनररी इन्वेस्टमेंट काउंसलर भी बन गया। वजह यह थी कि मैं उस तरफ चल रहा था, मसलन सोशल वर्क कर रहा था। अगर आपने किसी तरफ जाना है, फर्ज करें आपने अमेरिका जाना है, तो आपको मसलन सारी लवाजमत पूरे करने पड़ेंगे, उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करनी, आप पहुँच जाएंगे, लेकिन आप कोशिश तो करेंगे ना। मसलन एक बंदा कहता है जी मैंने इंग्लैंड जाना है, वो करता कुछ नहीं है, अपनी प्रोफाइल बिल्ड नहीं कर रहा, अपने लैंग्वेज कोर्स नहीं कर रहा, और ये कहता रहता है मेरी को हेल्प करें, मैंने जाना है। अगर ऐसे तो नहीं होता, यकीन जाने मैंने ये देखा है कि जो लोग कोशिश करते हैं और उस तरफ चलते हैं उनको वो अचीव हो जाता है। और कोरिया में आपने पूछा कि बिजनेस कौन सा करना चाहिए, देखिए जी उनकी जो बड़ी कंपनीज हैं वो हम ज़्यादातर लोगों ने पता, आपको पता होंगी सैमसंग, LG, हुंडई, किया, ये सारी उनकी कंपनीज हैं, और भी बहुत सारी हैं, किक्स, जिक ऑयल जो यहाँ पे आ रहा है वो वहाँ से आ रहा है। तो ये तो डिस्ट्रीब्यूशन होगी ना उनकी, ये तो डिस्ट्रीब्यूशन है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं वो हम वहाँ से ला सकते हैं। अभी हमारी जो अगर किया स्पोर्टेज की गाड़ियाँ आ गई हैं, अब फ्यूचर में इनके पार्ट्स भी तो चाहिए ना जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एफिलिएटेड इंडस्ट्रीज, इनके वेंडर्स हैं जी जी। दूसरा ये है कि अगर आपने किसी मुल्क में जाना है ना, सबसे पहले नहीं उधर जाके क्या करेंगे पाकिस्तानी, अगर कोई सोचते हैं चले जी हम जा रहे हैं, पैकअप कर रहे हैं, जा रहे हैं, क्या करेंगे उधर जाके? सबसे पहले आपको जहन बनाना पड़ेगा कि आपने करना क्या है, जाके सोचना एक अजीब बात है। नहीं लेकिन जाने से कौन सी इंडस्ट्री में, अगर ये $5,00,000 ले जाना चाहे वहाँ, किस में इन्वेस्ट करेंगे? प्रॉपर्टी में कर लें सबसे पहले, वो तो अपना घर ले लें, एक तो सेफ इन्वेस्टमेंट है। कोई काम भी तो करना होगा ने बाद, काम करने के लिए इजाफी पैसे चाहिए। कि उसमें ये है कि अगर आपने $5,00,000 लेके गए हैं तो सबसे बेस्ट ये है कि ट्रेडिंग का काम शुरू कर लें, गाड़ियों का काम शुरू कर लें। अगर पाकिस्तान की तरफ नहीं करना, अफ्रीका की तरफ कर लें, बहुत ज़्यादा स्कोप है कोरियन गाड़ियों का। बहुत सारे पाकिस्तानी लातिन की तरफ काम कर रहे हैं, और मैं भी कर रहा हूँ,
मेरा गाड़ियों का भी बिजनेस है बोलीविया ग्वातेमाला चिली की तरफ और बड़े पाकिस्तानी कार हैं इवन अफ्रीका में जहाँ पे कोई नहीं जाता वहाँ पे मदगास्कर और तंजानिया। चीमा साहब कौन कौन सी जगहों पे आपने मतलब ये अपने जो है मतलब कारोबार इस्टेब्लिश किए हुए? जी मैंने कंस्ट्रक्शन मशीनरी की रिवायती जगह नहीं है। हाँ जी थोड़ा सा होता डिफिकल्ट है लेकिन मैं थोड़ा सा एडवेंचरस टाइप हूँ। वेरी गुड। मुझे एडवेंचर करना अच्छा लगता है मुझे। खुशी हुई है कैसे ओवरसीज पाकिस्तानी से मिलके जो रिवायती कारोबारी शख्सियत की तरह सिर्फ इंग्लैंड अमेरिका या दुबई में नहीं नजर आते, साउथ कोरिया अफ्रीका और दुनिया के बहुत सारे और मुल्कों में भी गए हुए। जी जी जी। तो बहुत बेशुमार एक्सपीरियंस है आपके पास और अच्छी चीज है कि वो एक्सपीरियंस आप वापस इस मुल्क में ला रहे हैं इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह और लोगों की मदद कर रहे हैं और उन लोगों को भी इधर लेकर आ रहे हैं और पाकिस्तान की तमाम खूबसूरती और अच्छाइयां दिखा रहे हैं और यहाँ के बिजनेसमैन को भी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं जी। वेल चीमा साहब थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका खास टाइम निकालने के लिए। उम्मीद करती हूँ अगली दफा आए तो आप अपने साउथ कोरियन मेहमान भी मेरे शो पे लेकर आए। थैंक यू सो मच जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी। Thank you so much and all the best.